Good touch, bad touch is old. Don't touch without permission is gold. Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World. Today's video is specially for my lovely kids. आज हम बहुत सारी नई बातें सीखेंगे. आज का टॉपिक आपके स्कूल सब्जेक्ट्स की तरह तो नहीं है, but this topic is also very important if you want to lead a good and productive life. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था दैट मैं आप लोगों के लिए भी इस टॉपिक पर वीडियो शूट करूंगी, दैट इज गुड टच एंड बैड टच. स्कूल में भी टीचर्स आप सबसे ये चीज डिस्कस करती हैं. सो लेट्स मूव क्विकली टुवर्ड्स द ट्यूटोरियल. वी ऑल आर फेमिलियर विद द बॉडी पार्ट्स. बचपन में आप सबके मम्मा पापा ने आपको आपकी बॉडी से अवेयर कराया, बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया, उन्हें कैसे क्लीन करना है, कैसे सेफ रखना है, ये सब भी बताया होगा. नाउ यू नो दैट देर आर सम बॉडी पार्ट्स दैट आर विजिबल, जो आप देख सकते हो, जैसे फेस, आर्म्स, लेग्स, दे आर विजिबल. बट देर आर सम पार्ट्स दैट आर नॉट विजिबल, दैट आर कवर्ड, एंड वी कॉल देम प्राइवेट पार्ट्स. Now look at this image carefully. The highlighted parts are the private parts. For example, area between the legs, your chest and the bumps. Let me show you one thing. This is your front. Okay? So the private parts are area between the legs, here the chest and the bumps. We call them private parts and they are always covered. They are not visible. Private means yours. No one can see it, no one can touch it. Only your mama and papa can see them. Or sometimes doctors can also see them, but in the presence of your parents. जब आप मम्मा के साथ हो तभी डॉक्टर्स देख सकते हैं. बिना मम्मा के प्रेजेंस के अगर कोई इस पार्ट को टच करता है और आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, जस्ट शाउट. अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा टच अच्छा है या कौन सा बुरा? So now we are going to learn about different types of touch, that is good touch and bad touch. Good touch is a safe touch. You feel happy and loved about it, like a hug and kiss from your parents or grandparents. कभी कभार जब आप अच्छा काम करते हो और टीचर आपको पैट करती है ऑन योर बैक, दैट इज ऑल्सो अ गुड टच. इवन वेन यू गिव अ हाई फाइव टू योर फ्रेंड्स, दैट इज ऑल्सो अ गुड टच. इन ऑल दीज फीलिंग्स यू नो यू फील सेफ एंड यू फील कंफर्टेबल, राइट? सेकेंड टाइप ऑफ टच इज बैड टच. इट इज अनसेफ टच. Why unsafe? Because in this touch, someone tries to reach or touch your private part. अब जो private है और कोई और उसको touch करने की कोशिश करे तो obviously आपको uncomfortable तो feel होगा, bad feel होगा. उस समय आपको actually में पता चल जाएगा that something is not right, something is going wrong with me. अब अगर ऐसा हो तो कैसे react करें? How to react in such kind of situations? अगर हमें बैड फील हो रहा है या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉक एंड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट दिस. अब बाय चांस कभी आप पेरेंट्स के पास गए और पेरेंट्स ने आपकी बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं किया, या आपकी बात सुनकर भूल गए, या आपको अवॉइड कर दिया, उस समय व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इन्फॉर्म योर टीचर और द काउंसलर एट स्कूल. आप ऐसे भी किसी इंसान से बात कर सकते हो जो आपके बहुत क्लोज हो, आपसे बड़ा हो और आपकी सारी बातें सुनता हो. पॉइंट नंबर टू, ऑलवेज रिमेम्बर योर सेफ सर्कल. नाउ व्हाट इज अ सेफ सर्कल? इट हैज द नेम्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ योर ट्रस्ट वंस, लाइक फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स और योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर. आप इसको स्कूल बैग में भी कैरी कर सकते हो या फिर आप ये कॉन्टैक्ट नंबर्स लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो. अदरवाइज भी ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर थ्री, शाउट एंड रन. अब जब ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपके साथ होता है तो आपको एक्चुअली में रिएक्ट कैसे करना है? से अ बिग नो टू दैट पर्सन हु इज डिस्टर्बिंग यू. से आई डोंट वॉन्ट दैट एंड रन फ्रॉम दैट प्लेस. या फिर यू कैन शाउट ऑल्सो एंड इन्फॉर्म अदर्स. यू कैन गैदर पीपल एंड इन्फॉर्म देम व्हाट्स हैपनिंग. आपके साथ क्या हो रहा है उनको शाउट करके इन्फॉर्म करो और शाउट फॉर हेल्प. याद रखना इस पॉइंट को. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम वार्निंग साइंस. वार्निंग हम कब देते हैं? जब हमें पता है कि कुछ गलत होने वाला होता है और हमें पहले से ही अलर्ट रहना है और हमें केयरफुल हो जाना है. नंबर वन, फर्स्ट वार्निंग साइन है
इफ समवन आस्क यू टू शो योर प्राइवेट पार्ट और इफ समवन शोज हिज प्राइवेट पार्ट टू यू, अगर कोई आपको आपका प्राइवेट पार्ट दिखाने के लिए बोले या कोई अपना प्राइवेट पार्ट दिखाए, से नो एंड रन फ्रॉम दैट प्लेस एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. ये एक चीज को याद रखो, ये प्राइवेट पार्ट है, आपको इस बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं करना. अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पेन हो रहा है या कुछ है, तो पेरेंट्स है, टॉक टू योर पेरेंट्स. फ्रेंड्स से इस बारे में डिस्कशन करना इज बैड, इट्स प्राइवेट थिंग, यू शुड नॉट डिस्कस इट पब्लिकली. लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना, सिर्फ पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है. प्राइवेट है, इसको प्राइवेट ही रखना है. पॉइंट नंबर टू, इफ समवन सिट्स टू क्लोज टू यू और आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, क्विकली अपनी पोजिशन चेंज करो, कहीं और जाके बैठो या फिर रन फ्रॉम दैट प्लेस एंड ऑब्वियसली यू हैव टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. पॉइंट नंबर थ्री, नेवर गो विदाउट क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन एंड डोंट अलाउ टू डू द सेम. ना आप किसी के सामने विदाउट क्लोथ्स जाओगे, ना किसी और को अलाउ करोगे, इट इज बैड. पॉइंट नंबर फोर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अननेसेसरी, बिना किसी रीजन के अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, देन यू शुड नॉट एक्सेप्ट इट. कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना. अगर कोई रिलेटिव आपको देता है, बोलो मामा पापा के सामने दे दो, मैं अकेले में आपसे कोई गिफ्ट नहीं लूंगा या लूंगी, मैं आपसे आई डोंट टू एक्सेप्ट द गिफ्ट, प्लीज गिव इट टू माई पेरेंट्स, इफ दे विल से देन आई विल टेक इट. कई बार क्या होता है कि अगर कोई आपके साथ कुछ बैड करना चाहता है तो वो पहले आपको बहुत हैप्पी रखता है, और उसका सीक्रेट छुपाने के लिए कि मैं आपके साथ बैड कर रहा हूं, वो आपको आपकी विशेष की चीजें लाके देगा, आपको टॉफीज या चॉकलेट्स ऑफर करेगा. डोंट गो फॉर दिस थिंग. इफ यू आर फीलिंग बैड, से नो एंड जस्ट इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. योर पेरेंट्स आर द रियल वन जो आपकी सारी विशेष को पूरा करेंगे. रिमेंबर दिस पॉइंट. आई होप द पॉइंट्स वी हैव जस्ट डिस्कस्ड आर क्लियर. आपको ये सब और अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए आई हैव गिवन द लिंक ऑफ द मूवी कोमल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच दैट मूवी. आई नो आपने आप में से कितने बच्चों ने वो मूवी देखी भी होगी, बट स्टिल वॉच इट अगेन वन मोर टाइम टू गेट अ क्लियर पिक्चर. किड्स ऑलवेज रिमेंबर, सुपर हीरोज डोंट लाई एंड डोंट हाइड एनीथिंग, दे फाइट. वीडियो अगर अच्छी लगी हो देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो. स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.